एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे BMS मेडिको में। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, कमेंट आ रहे थे कि हमारी UPSC काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जिनको भी नहीं पता है, मैं खुद भी BMS कर रहा हूँ और बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है जहाँ पर आप हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग वगैरह हो गया, फिर कोई कॉलेज का विजिट हो गया, ठीक है, या फिर लाइक लेक्चर वगैरह हो गए, तो आपको सब यहाँ पे BMS रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो गाइस, ये देखिए लेक्चर वगैरह सब मैंने डाल रखे हैं। तो अब चलते हैं, सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। तो आखिरकार काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि यार कब होगी कब होगी। तो देखो, काउंसलिंग के बारे में पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ना है, ठीक है, हमारा ये ID है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है। और कोई भी आपको अगर क्वेरीज होती है अबाउट टू एडमिशन रिलेटेड, कि कैसे क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या कितना उसका पैकेज रहेगा, पूरा हॉस्टल इंक्लूड रहेगा, ट्यूशन फीस वगैरह, तो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए बात कर लेते हैं हम वीडियो के बारे में, जो हम आपको बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद कब जो है चांसेस रहते हैं क्लास स्टार्ट होने के। तो आपको पता है कि आपको जो एग्ज़ाम है, ठीक है, मई में हुआ था और जो रिजल्ट है आपको वो जून में आ गया था, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि देखो, आफ्टर 3 महीने बाद, ठीक है, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है जहाँ पर आपका अगस्त स्टार्ट होता है और वहाँ पर आपकी MBBS की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, MBBS प्लस BDS वाली। तो जो बच्चे MBBS का एडमिशन देख रहे हैं, ठीक है, BDS के लिए एडमिशन देख रहे हैं, तो अभी MBBS और BDS का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है, ठीक है, अलाउट होने वाले हैं कॉलेजेस। तो अपना सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग MBBS की बची है, ठीक है। उसके बाद जब MBBS की काउंसलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है AA CCC की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जिनको AA CCC के बारे में नहीं पता है, तो उनको एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, ठीक है, 85% सीटों के लिए, ठीक है, 85% और 50% की सीटें हैं, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं, जिसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। इसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, उनकी वो वाले जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो करीब मान के चलिए आप सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, तो जब ये काउंसलिंग AACC की ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या होता है कि जब आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है, ये अपने 4 ऐसे मंथ हैं जहाँ पर आपका BMS का हर एक स्टेट का, ठीक है, BMS का आपका UP का, उत्तराखंड का, पंजाब का, ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का, राजस्थान का, ठीक है, देन आपका MP का। तो ये जितने भी स्टेट हैं सब अपनी अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग वेबसाइट वगैरह होती हैं, उस पर अपडेट करते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि कब किस स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मान के चलिए आप नवंबर में, ठीक है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये आपके 4 मंथ ऐसे हैं जहाँ पर आपका एडमिशन होता है, ठीक है। नवंबर में काउंसलिंग स्टार्ट होती है और आपका दिसंबर, जनवरी तक जो है, फरवरी तक काउंसलिंग चलती है, और फरवरी के बाद, ठीक है, आपका मार्च और अप्रैल में, ठीक है, मार्च और अप्रैल में आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। फरवरी के लास्ट वीक तक आपका पूरा जितने भी काउंसलिंग है सभी राउंड ख़त्म हो जाते हैं। फिर कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी बचती हैं, फिर लाइक मान लीजिए कि अगर 5% कट ऑफ डाउन वगैरह होता है, तो वो फरवरी के बाद ही सब कुछ चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी, ठीक है। सो भी क्या है कि मार्च और अप्रैल में मोस्ट प्रोबली क्या है, अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है, आपका न्यू सेशन जो है अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि कब होगा। तो यार देखो, जिस ईयर में आप पेपर देते हैं, ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर में जाके ही आपका एडमिशन होता है, ठीक है, ये बात आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो होप आपको कोई कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, काउंसलिंग कैसे होगी, कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, किसमें क्या बजट है, और हमारे अगर बजट नहीं हो पा रहा है तो एक अच्छे से कॉलेज में कम बजट में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, तो सब क्वेरीज आपको, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्री गाइडेंस फॉर्म हमको आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसको आप फिल कर दीजिए, और ताकि आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया, ठीक है। सो गाइस, ये छोटी सी वीडियो थी, वो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना कैसी की वीडियो लगी। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस अभी आने बाकी हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी ऐप भी लॉन्च करने वाला हूं मैं, तो उसमें थोड़ा सा कोर्सेज वगैरह लॉन्च हो जाए, इसके बाद वो ऐप भी आपका प्ले स्टोर पर आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।